बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो है मिज़ान बैंक के शेड्यूल ऑफ चार्जेस के बारे में। जी तो दोस्तों, मिज़ान बैंक ने 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर तक जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं, वो जारी कर दिए हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। चैनल पर आने वाले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद मालूमती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ सकें। चलें शुरू करते हैं वीडियो। तो जी, मिज़ान बैंक ने जो अपने चार्जेस बढ़ाए हैं, सबसे पहले मिज़ान बैंक की जानब से जो वीज़ा कार्ड जारी किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले जो कार्ड है वो क्लासिक कार्ड है, जिसकी जो पर एनम फीस है वो 2100 है, यानी कि आपकी जो सालाना फ़ीस होगी वो 2100 रुपये होगी। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर बैंक कोई भी चार्जेस काटता है तो उसके ऊपर 16% जो है वो FED करती है, यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इसके ऊपर लागू होती है। 2100 रुपये बैंक चार्जेस हैं और इसका 16% जो है 2100 का वो FED कटेगी। इसी तरह जो बैंक का गोल्ड कार्ड है वो 2500 रुपये का होगा, जबकि जो प्लाटिनम कार्ड है वो 5500 का होगा। मिज़ान बैंक ने जो नया कार्ड जारी किया था, इन्फिनट कार्ड, उसकी जो सालाना फ़ीस है वो 26,000 रुपये होगी। इन्फिनट कार्ड के हवाले से चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो मिज़ान बैंक के जो मास्टर कार्ड हैं उनके अंदर क्लासिक कार्ड की जो फ़ीस है वो 2100 रुपये पर एनम है सालाना है, और टाइटेनियम कार्ड की फ़ीस 3500 पर एनम है। टाइटेनियम कार्ड की जो फ़ीस है वो 3500 रुपये है। इसी तरह जो वर्ल्ड कार्ड है उसकी सालाना फ़ीस 15,000 रुपये है। मिज़ान वुमन फर्स्ट कार्ड की जो फ़ीस है, ये वीज़ा कार्ड है, पहले साल जो उसकी फ़ीस है पहले इशंस पे वो 500 रुपये है, जबकि 1900 रुपये सालाना फ़ीस होगी। इसी तरह मिज़ान किड्स एंड टीन्स क्लब की जो फ़ीस है पहले साल के लिए फ्री है, जबकि 1100 रुपये बाकी सालों के लिए होगी। मिज़ान का जो पे बैक डेबिट कार्ड है उसकी जो फ़ीस है 1600 रुपये है सालाना। इसी तरह जो रिप्लेसमेंट चार्जेज हैं वो सेम एज एनुअल चार्जेस हैं। जो इन्फिनिट डेबिट कार्ड है वो बैंक ने कम्प्लीमेंट्री रखा हुआ है, उसके ऊपर चार्जेस बैंक नहीं देगा। सप्लीमेंट्री कार्ड अगर जारी कराना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री कार्ड का मतलब है कि अगर आपके अकाउंट पे एक कार्ड है तो आप दूसरा कार्ड जारी कराना चाहते हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए उसी अकाउंट के ऊपर, उसके चार्जेस होंगे वो सेम एज एनुअल चार्जेस होंगे। जो डेबिट कार्ड डिजिटल टोकन है उसकी जो फ़ी है वो फ्री है। कैश विड्रॉल जो मिज़ान बैंक से है वो फ्री है। इसी तरह अगर आप मिज़ान बैंक का कार्ड किसी और बैंक में इस्तेमाल करते हैं तो 23 रुपये 44 पैसे पर ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से करेंगे। बैलेंस इंक्वायरी जो वन नेट की या वन नी की है, एम नेट की, वो 5 रुपये पर इंक्वायरी है। कैश विड्रॉल इंटरनेशनल की बात करें तो आपकी जो कैश विड्रॉल की अमाउंट है उसका 4% कटेगा, या फिर पाकिस्तानी 600 रुपये कटेंगे, विच एवर इज़ हायर, जो हायर होगा। बैलेंस इंक्वायरी जो इंटरनेशनल ATM पे 300 रुपये पर इंक्वायरी है। कैश विड्रॉल जो है इंटरनेशनल कार्ड की, वो मिज़ान बैंक के ATM से, उस पर $5 पर ट्रांजेक्शन आपसे कटेंगे। बैलेंस इंक्वायरी है जो इंटरनेशनल कार्ड्स की, मिज़ान बैंक के ATM पे, वो $1 है। इसी तरह ATM रिसीव्ड अगर आप अदर बैंक की ATM कार्ड यूज़ करते हैं ATMs पे, तो उसकी जो रिसीट के चार्जेज हैं वो 2.5 रुपये हैं। लोकल की शॉपिंग करते हैं, पॉज पे स्वाइप करते हैं, तो उसके कोई चार्जेज नहीं है, सिर्फ आपने जो चीज़ खरीदी है उसी के पैसे देने हैं। इसी तरह अगर इंटरनेशनल आप पॉज पे या ये NFC यूज़ करते हैं, ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो 4% आपके ट्रांजेक्शन के कटेंगे। बात करते हैं SMS चार्जेस की। तो SMS चार्जेस जो सालाना जो फ़ीस है इंडिविजुअल और सोलो प्रोपराइटर अकाउंट के लिए वो 1500 रुपये है। इसी तरह जो एनुअल चार्जेस हैं कंपनी अकाउंट के लिए वो 4500 हैं, जबकि डिजिटल ट्रांजेक्शन के जो मैसेज हैं वो आपको बैंक की जानब से फ्री होंगे। यानी कि ATM ट्रांजेक्शन के मैसेज, आपकी जो मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के मैसेज हैं, फंड ट्रांसफ़र वगैरह के, वो बैंक की जानब से आपको फ्री आएंगे, कि नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन के अलर्ट्स जो हैं वो आपको बैंक से लगवाने पड़ेंगे। इसी तरह जो आपके SMS है कम्प्लीट डॉलर अकाउंट के ऊपर या FCY अकाउंट के ऊपर $5 है, इसके इक्वल है इंडिविजुअल और सोलो प्रोप्राइटर अकाउंट के ऊपर, जबकि अगर FC अकाउंट आपका कंपनी अकाउंट है, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप अकाउंट है, तो $10 सालाना होंगे। इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो IBFT जो 25,000 है एक माह में फ्री है, जबकि अगर 25,000 से आप ज़्यादा करेंगे तो 0.1% ट्रांजेक्शन चार्जेस आपसे कटेंगे, या 200 रुपये, विच एवर इज़ लोअर। इसी तरह जो बायोमेट्रिक विड्रॉल है वो एक सेशन की वो 15 रुपये चार्जेज हैं। बिल पेमेंट सर्विस की बात करें तो बिकन और स्कूल की जो फ़ी है, आप मोबाइल ऐप या बैंकिंग ऐप से, इंटरनेट बैंकिंग से, तो 25 रुपये पर ट्रांजेक्शन है। इसी तरह Pay21 जो है उसका 100 रुपये चार्जेज है, जबकि एक्सप्रेस कार्ड डिलीवरी जो फ़ी है वो 200 रुपये है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो मिज़ान बैंक के चार्जेस के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।